नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। नए साल की सभी को शुभकामनाएं। नया साल यानी नए संकल्पों का साल, नई चुनौतियों का साल, लड़कने का साल, जीतने का साल, जिद का साल और जज्बे का साल। एक नया साल यही सब कुछ कहता है। जीत की उम्मीदों के नाम नए सवेरे का नया साल। हम सब शुभकामनाएं देते हैं आप सभी को नववर्ष की। और हमारा ये कार्यक्रम जनमंच आज इसी में हम चर्चा करेंगे, क्या खोया, क्या पाया और क्या है नए संकल्प और नए इरादे। देश के लिए 2015 बहुत महत्वपूर्ण साल रहा। उस साल पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि नया करने के लिए अगर पुराने की चर्चा नहीं की जाए तो शायद बेमानी बात होगी, क्योंकि वहाँ से हम सीखते हैं, वहाँ से हम सबक लेते हैं और नए के लिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग इस पूरे कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहेंगे, मैं उनका परिचय यहाँ पर कराना चाहूँगा। मेरे साथ हैं वीनू पालीवाल जी, फिक्की से हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, युवा नेता हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से सुशील आसोपा जी हैं, कांग्रेस से मुकेश शास्त्री जी हैं, ज्योतिषी हैं मानचंद खंडेला जी हैं, समाजशास्त्री हैं अभिषेक शर्मा जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मनोज भारद्वाज जी हैं, एक NGO चलाते हैं सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं, वो इस कार्यक्रम में बने रहेंगे। सबसे पहले शुरुआत तो मैं खंडेला साहब आपसे ही करूंगा। 15 बहुत लिहाज में बहुत बहुत बड़ा साल रहा, कैसा देखते हैं, क्योंकि जो बीत गया उसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो बीत गया वो बीत गया, अगर ये हम जहन में रखते हैं जब तो कोई चर्चा की बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बीत गया साल है वो मैं समझता हूँ कि बीता हुआ साल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश पे जो है कि नया नेतृत्व आया, नो डाउट कि जज्बा, आप जैसा आपने कहा वो जज्बा वहाँ पर कायम है, लेकिन जज्बात के साथ में जो है ना काम नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मोदी जी ने जो अपना आह्वान किया, उस तरह का प्रत्युत्तर उतना नहीं मिला, ये भी अपने आप में सोचने की बात है। चलिए, अब आपको रोकते हुए लक्ष्मीकांत आपके पास आता हूँ। 2015 आपकी पार्टी जब आई थी सत्ता में, तो 2015 एकदम चकाचौंध था आपके लिए। पहली शुरुआत थी, 14 में सत्ता मिली, 15 में शुरुआत हुई, लेकिन 15 में जरा दो जगहों पर गड़बड़ हो गई। आते ही तो दिल्ली ने धोखा दे दिया और उसके बाद बिहार ने धोखा दे दिया। इसमें धोखा कुछ नहीं है भाई साहब, इतने बड़े देश में राजनीति के कई प्रकार के पहलू होते हैं, राजनीति करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इस जनता की जो भावनाएं और जनता का जो प्रेम, पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी को इतना रिकॉर्ड से इतना कायम किया, वो सबसे बड़ी 2015 में रिकॉर्ड नहीं था कोई, उस पहले से बता रहा हूँ भाई, सब शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ। 2015 में जब अपन एंट्री होते हैं, आप भाई साहब मैं पूछना चाह रहा हूँ, पिछले 60 साल के शासन को जिस पार्टी ने ये तोड़कर आज यहाँ तक पहुँची है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दो राज्य में सरकार नहीं बनी तो ऐसी कोई बड़ी नहीं है। आगे आने वाले समय में जरूर भारतीय जनता पार्टी इसमें बड़ी, आपकी पार्टी के लिए बड़ा रहा अंतर्विरोध, बहुत सारे उभर के सामने आए। बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा रहा भाई साहब, बहुत अच्छा साल रहा, अंतर्विरोध हुए तो भी अच्छा रहा। सुशील जी, आप तो जहाँ थे वहीं रह गए। नहीं, हमारी ये बढ़े ना घटे, लेकिन आप तो जहाँ थे वहीं रह गए। हमारी बात हमारे जहाँ रहने और वहाँ रहने की नहीं है। पहले तो मैं प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामना देना चाहता हूँ। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सबका देखने का नज़रिया सकारात्मक हो, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी अपेक्षा है, उम्मीद है कि हमारे देश में और हमारे राज्य में जो शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है पिछले 2 सालों में, 18 महीने में और यहाँ 2 साल में, और मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है, उसमें आने वाले समय में कमी आए, ये उम्मीद पहली, क्योंकि सबसे पहली उम्मीद जन्म से होती है। बच्चों की मृत्यु दर तेज़ी से बढ़ रही है, ये शायद हमें इस बात का एहसास नहीं है। हम वोटों की और सीटों की गिनती में उलझ करके उन बच्चों के प्रति हमारा दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं। दिसंबर 2013 में शिशु मृत्यु दर थी 47, जो आज 2 सालों में हो गई 57। मातृ मृत्यु दर थी 218, जो आज हो गई 273। इसलिए मेरा ये कहना है कि समाज के लिए सबसे चिंता का विषय है ये, पहली बात। और दूसरी बात, समाज की चिंताओं के विषय पे मैं आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। जहाँ तक सवाल है, हाँ, कि अभी लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे बिहार से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार का तो पूरा चुनाव प्रधानमंत्री ने लड़ा और वहाँ पाकिस्तान तक की बातें की। बिहार के बाद आइए आप गुजरात के पंचायत चुनाव में, 31 में से 24 जगह पे कांग्रेस का बहुमत आया है। कल वहाँ छत्तीसगढ़ में 11 में से 7 नगर निगम परिषद और नगर पालिकाओं में कांग्रेस का बहुमत आया है। मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ, जहाँ पूरी कैबिनेट बैठी रही, वहाँ 90,000 से हमारा MP जीता है।
इस प्रकार से जो लगातार राजस्थान में तो एक साल के अंदर अंदर शीशा उतार दिया था सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, जब सितंबर 2014 में 4 में से 3 बाई इलेक्शन कांग्रेस ने बड़े धड़ल्ले से जीते और पूरी सरकार जो है लगी हुई थी चारों जगह पे आपके सामने है, वो तो बात ये है कि भ्रमित हो गई जनता और इस तरह का बहुमत दे दिया जिसकी वजह से इनको गलतफहमी हो गई कि हम पता नहीं देश को राज्य खंडेला जी एक बार आपके पास आ रहा हूँ वापस आपके पास आ रहा हूँ गलतफहमी ये कह रहे हैं लेकिन सच मानने को अभी तैयार नहीं है, जो छोटा छोटा पाया है उसको बहुत कुछ मान रहे हैं। देखिए मैं पहली बात तो ये कह रहा हूँ, इस नव वर्ष पर कम से कम जनता को हम जो है ना एक तरह से जो है उपेक्षा भाव से नहीं देखें, यानी जनता भ्रमित हो गई। जब ऐसा नहीं लग रहा कि गुजरात में भ्रमित होकर आपको वोट दे दिया, मैं कह रहा हूँ जनता का जो फैसला है सरमाथे पर है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। लेकिन दो तीन बातें मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूँगा। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि देश में जो है विपक्ष सशक्त हो, लेकिन विपक्ष समझदार भी हो, सहज भी हो, सरल भी हो और जो ना आतंक फैलाने वाला भी नहीं हो। ये सारी बातें उल्टी होकर जब चल रही है ना तो देश आगे नहीं। 2015 की उसी चर्चा पर आपके पास लौट, चलिए आपसे बात पूरी करता हूँ फिर मैं एक बार सुशील जी के पास आऊंगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम देश के विकास में किसी प्रकार का सहयोग दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए, और मैं ये बात परोक्ष रूप से कह रहा हूँ। और वो ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है, वो वास्तव में विपक्ष के लिए शोभा देने वाली बात नहीं है। पक्ष के लिए क्या बात है वो अलग बात है। तीसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि प्रतिपक्ष जो है वो वास्तव में सकारात्मक के साथ में आगे बढ़े, केवल आलोचना से जो है अगर आगे बढ़ेगा या सीटें मिल जाएंगी उससे देश का विकास। सुशील जी आपके पास आऊंगा, पहले वीनू जी आपके पास चलता हूँ। सकारात्मकता एक शब्द जो कहा है, मुझे लगता है 2015 में ये शब्द अगर पूरे देश में सकारात्मकता जो शब्द था, देश के लोग फील अंदर से महसूस तो चाहते थे वो होना, लेकिन ऐसी सकारात्मकता कहीं भी जब नज़र दौड़ाई तो कहीं भी नज़र नहीं आई। मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल ठीक ही फरमाया है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि 2015 जो निकला है एक बहुत ही हाई टोन पे शुरू हुआ था, एक बहुत ही सकारात्मक टोन पे शुरू हुआ था, बट बाय द एंड ऑफ 2015 मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हुआ है। बहुत सकारात्मक से लोग भी नकारात्मक हुए हैं, विचार भी बहुत नेगेटिव की तरफ गए हैं, फीलिंग्स भी गई हैं और होप्स भी बहुत नेगेटिव हुए हैं। आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था, जैसे एक बॉलीवुड की जो फिल्म रिलीज़ होनी होती है एक हाइप क्रिएट कर दिया जाता है मार्केटिंग या किसी के दौरान कि ये मूवी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है बहुत अच्छी। इसी तरह हमने भी बहुत किया कि ओहो अब तो ये वंडर सरकार आ जाएगी, ये तो सुपरमैन सरकार आ गई है, तो ये हो गया, तो अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें बंद गई थी, लेकिन उन उम्मीदों के आई थिंक हम उतरे नहीं हैं उतना। बिल्कुल सही, खरे नहीं उतरे। मैं मुकेश जी आपके पास आ रहा हूँ, ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखें तो क्या 2015 का साल यही कहता था? देखिए सोच का फर्क है। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहिए कि 2015 में हमारे प्रदेश ने कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं झेली जिसके कारण हमारा जो सर है वो शर्म से झुके या लोगों को जनहानि धनहानि का सामना करना पड़ा हो। सोच जहाँ तक सकारात्मक होनी चाहिए, 2015 निश्चित तौर पर राजस्थान प्रदेश के लिए इतना हम जैसे रिसर्जन राजस्थान जैसे चीज़ें हुई हैं और आने वाला जो सन 2016 है वो तो बेहतरीन रूप से जाने वाला है। उसमें मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। 2015 निश्चित तौर पर बहुत ही ज्योतिष के लिहाज से, सभी राजनेताओं के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से, फाइनेंशियल सेक्टर के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहा है और आगे भी रहेगा। चलिए सुशील जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि लीडरशिप की अगर छोटी सी कड़ी कही जाती है तो आपसे शुरू होती है, आपसे पार्षद हैं आप, सबसे पहले आदमी आपके पास आता है, फिर विधायक, फिर एमपी और फिर प्रधानमंत्री तक शायद आदमी की पहुंच हो तो वो जाता है जी। उम्मीद कर रहे थे 2015 में कुछ नेता सुधरेंगे, नहीं सुधरे, भोग ही रहे हैं इसको। मैं क्यों नहीं सुधरना चाहते आप लोग? बहुत ज्यादा पॉजिटिव शुरू हुआ था ये, मैं मतलब सुधरना क्यों नहीं चाहते? मैं सकारात्मकता से शुरू हुआ था, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई 2015 में जो हमें शर्मसार करती है, जो पॉलिटिक्स के लिहाज से भी गलत हुई और आम जनता के लिए भी हानिकारक थी। जैसे बच्चों के साथ बलात्कार होना और उनके साथ रेप केस होना, ये बहुत बड़ी बात थी और ये इसी 2015 में हुआ है। पॉजिटिव भी बहुत सारे बात हुई है, लेकिन ये बड़ी शर्म वाली बात है। अभी जैसे बच्चों की मृत्यु दर के बारे में इन्होंने बताया, पॉलिटिक्स के बारे में आपने मेरे को कहा कि नेताओं से क्या उम्मीद थी, बहुत सारी उम्मीद जनता को थी। लोगों ने देखा पता नहीं रामराज ही आ जाने वाला है,
लेकिन कोई खरे उतरे नहीं। जिस पार्टी को वोट दे के बनाया वो भी उन वादों पे खरी नहीं। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बात करी हो। वोट दिया जाता है, हम बहुत सोच के वोट देते हैं कि मैंने सुशील जी को वोट दिया है, सुशील जी बदल देंगे तस्वीर, पर आप सुधरते ही नहीं हो। कई बार ऐसा आपके पहले कार्यक्रम में मैंने कहा है कि लोग क्या है कि जिस पार्टी से होते हैं उस पार्टी के लिए काम करते हैं, जो जनता वोट देती है उसके लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि उस पार्टी के कानून से उनके बाइलाज से बन जाते हैं, जैसा आदेश होता है वैसा करते हैं। अभिषेक, यदि जनता के उम्मीदों पर काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी की वफादारी करें। पार्टी में कोई गलत बात है उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, अनुशासन आ जाता है। ये सारी पीड़ाएं उन कार्यकर्ताओं को, उन पार्टी के लोगों को रहती है। पार्टी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इसलिए वो पीड़ा रहती है। जनता जिसने चुन के भेजा है उसकी पीड़ा को कोई नहीं उठाना चाहता। जनता की पीड़ा, मनोज आपके पास आ रहा हूँ, जनता की पीड़ा। मैं मतदाता हूँ, मैं वोट देता हूँ, सोचता हूँ मेरे एक वोट से सरकार बनी है और सरकार बनी है और मेरे लिए कुछ होगा, लेकिन 2015 में वो मतदाता सिर्फ ताकता रहा। मेरे साथ जो मेरी टीम काम करती है, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में डेफिनम लोग होते हैं, ये नोटा का उपयोग करते हैं, तो ये लोग अभी तक मान ही नहीं रहे कि उनके लिए कोई काम करने वाला है, तो ये लोग नोटा यूज़ कर रहे हैं अभी तक। इनको लगता ही नहीं कि इनके लिए सरकार कुछ आगे जाके कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी। जहाँ तक कोशिश है, मैं धन्यवाद आप लोगों को दे रहा हूँ, बिकॉज ये आपका चैनल था जिसने पिछले दिनों एक प्रस्ताव स्वीकार किया कि डेफ लोगों के लिए सांकेतिक भाषा के समाचार होना चाहिए, और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मीडिया अपना काम कर रही है, और मेरे साथियों को तो उम्मीद नहीं है, बट हाँ ये कोशिश है कि उनकी इस सोच को हम थोड़ा सा परिवर्तित करें और कुछ अच्छे लोग सामने आएँ, ताकि उनसे हम उम्मीद करें कि वो सकारात्मक होने की। चलिए सुशील जी कुछ कह रहे हैं, फिर अभिषेक जी के पास में। रात को भी आपका एक फर्स्ट इंडिया इस चैनल पर इस आ रहा था, तो मैंने पूछा था ज्योतिष आचार्य जी को कि हमारा 2016 कैसे रहने वाला है, तो मैंने निगम के बारे में पूछा था अब कैसे रहेगा, तो उन्होंने बताया पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे चैलेंज है 2016 में, हमें बहुत कुछ सुधरना पड़ेगा, काफ़ी हद तक सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा आने वाला चैलेंज हमारे लिए प्रदूषण है, और ये बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारे सामने कि हमारा सांस लेना दूभर हो जाए। प्रदूषण, और दूसरा जिसके चर्चा के लिए मैं अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूँ, आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस पूरे साल में, पूरा साल 2015 मंदी के साए से गुजरा है। कहीं भी अगर व्यापार की बात की जाए तो चेहरों पर मुस्कान मुझे नज़र नहीं आई, और हमने पहले भी इस कार्यक्रम में चर्चा की है कि आखिर क्यों और क्या कारण था कि ये 2015 पूरा साल मंदी के साए में रहा। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2015 मंदी के साए में रहा ऐसा हम ब्रॉडली कह सकते हैं, बट जब हम डीपली इसके अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे फाइनेंशियल से इसको, तो मैं सहमत नहीं होऊंगा इस बात से 2015 मंदी में रहा। स्टार्ट करते हैं हम लोग जीडीपी से, जो जीडीपी पहले आ रही थी 7.5, 7.10, वो जीडीपी जाके अब 7.30 तक आ गई है, और इस साल में लगता है जीडीपी 7.5 को क्रॉस करने वाली है। अभिषेक जी आप मेरी बात सुनिए सर, मैं तार्किक विश्लेषण कर रहा हूँ सर, और आप सहमत हो या नहीं हो वो आपका कहना है, उससे आंकड़ों के साथ बात करना चाहता हूँ मैं उससे। नंबर एक जीडीपी से आप बात कर रहे थे, नंबर सेकंड आप देखोगे जो वैल्यूएटेड को याद करके फिर बताएं आप सर, बेस ईयर और वैल्यूएटेड को आप जो चेंज करना था उसके बाद बढ़ना ही था, और अभी तक क्या था सर, आप जब आप बात करोगे आप मेक इन इंडिया की, तो जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट था वो बहुत अच्छा कंसेप्ट था, उसका इफेक्ट देखने को ऐसा मिल रहा है कि जो फॉरेन में भी आज बात करें अपन, जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग अभी तक इंडिया में इंपोर्ट कर रहे थे या वहाँ से सप्लाई कर रहे थे वो चाह रहे हैं इंडिया में फैक्ट्री लगाना, गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा विजन इसके पीछे काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करना थोड़ा टफ है, जब तक सिस्टम आपका चेंज नहीं होगा और सिस्टम का माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन जो 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 कंसेप्ट दिख रहा है आगे, जो विज़न आगे दिख रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि देश एक अच्छी दिशा में जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप स्टेट की बात करोगे तो आज जो हमने 2-3 लाख करोड़ रुपये के MOU कर लिए हैं, राजस्थान ने बहुत अच्छी चीज़ करी है, लेकिन उसमें से कितना MOU प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हो पाता है, कितने लोग एक्चुअल में इन्वेस्टर आ पाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अगर सर मेरा पर्सनल ये मानना है एज ए इकोनॉमिक एडवाइज़र एनालाइजर कि अगर उसका 25% भी राजस्थान में अगर इन्वेस्ट हो जाता है तो राजस्थान की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, लेकिन 25% इन्वेस्ट होना बहुत जरूरी है, जमीन पर उतरना जरूरी है। यहाँ कार्यक्रम में चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक।